साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर बकरवाल कबीले के जो लोग हैं, 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की जो सियासी जमातें हैं, इन्होंने गुजर बकरवालों के साथ इस्तेसाल किया, जुल्म सितम किया, यर्गमाल बना के रखा था नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के हुक्मरानों ने गुजर बकरवालों को जम्मू कश्मीर के अंदर, गुजर बकरवालों को उनके हकों से महरूम रखा गया 70 साल जम्मू कश्मीर के अंदर, और उल्टा यहां काले कानून लगा दिए गए गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों के खिलाफ एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने गुजर बकरवाल कबीले के लोगों के साथ बहुत जुल्मों सितम इस्तेसाल किए। 70 साल गुजर बकरवालों को यर्गमाल बना के रखा एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने, और 2009 में काला कानून, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो नौकरियां थी गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों की, नौजवानों की, वो खत्म करने वाले हुक्मरान एनसी, कांग्रेस और पीडीपी थी। 2009 में काला कानून, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने मिलकर जम्मू कश्मीर की असेंबली में पास किया, और गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों की हजारों की तादाद में नौकरियां खत्म कर दी गई थी। उस काले कानून को मोदी हुकूमत ने खत्म करके गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों, नौजवानों के साथ इंसाफ किया। जंगल में रहने वाले गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को जमीनों के मालिकाना हक, पंचायत से बीडीसी, डीडीसी, असेंबली, पार्लियामेंट तक पॉलिटिकल रिजर्वेशन गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को अगर किसी ने दी तो मोदी हुकूमत ने दी।